हो गया। आज इंडिया वर्सेस कनाडा का मैच था, जो कि वो भी आपकी जैसे कहते हैं बारिश की नजर होके रह गया, वेट आउटफील्ड की वजह से। भारत के खिलाड़ी और कनाडा के खिलाड़ियों ने फैसला किया कि इस पिच के ऊपर, इस आउटफील्ड के ऊपर खेलने से अच्छा है कि हम अपने आप को बचाए रखें। कनाडा के लिए तो ये मैच भी मैटर करता नहीं था, ना इंडिया के लिए करता था, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी थी। वो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों अपने आउटफील्ड के ऊपर अपने जैसे कहते हैं ना इंजरी करवाने, सुपर एट का मरहला है। तो बड़ा अच्छा फैसला किया उन्होंने, मैच का नहीं किया और आज मैच नहीं हुआ। ये आज का मैच नहीं हुआ, कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, एज अ क्रिकेट फैन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मतलब क्या आज भरा मैच था, देखने को मिलता थोड़ा एंजॉयमेंट होती। एज अ क्रिकेट फैन आई एम कहते हैं ना डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एज अ पाकिस्तानी फैन, तो मुझे जैसे कहते हैं ना गुस्सा भी चढ़ रहा है, मुझे जैसे कहते हैं तब भी चढ़ रही है कि पाकिस्तान ने तो गंदी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान ने तो बहुत पूरी परफॉर्मेंस करके दिखाई, पाकिस्तान तो सच्ची में डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन एज अ फैन हमें एक उम्मीद तो थी ना कि चले वो मैच होगा, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रिजल्ट कुछ भी आता है, एटलीस्ट मैच तो होता। फ्लोरिडा के अंदर मैचेस करवाना, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ ये ज्यादती थी। आपको सब कुछ पता होता है, हर चीज के बारे में पता होता है। आप क्रिकेट को प्रमोट करने जा रहे हैं, क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करने नहीं जा रहे। आपने न्यूयॉर्क के अंदर, यूएसए के अंदर जो क्रिकेट करवाई है, उससे आपने क्रिकेट को एक अच्छी पहचान नहीं दी। वहां के लोगों की नजर के अंदर क्रिकेट एक आप कह सकते हैं डिस्कस्टिंग स्पोर्ट्स बनके उभरा है, क्योंकि वहां पे जब फुटबॉल होती है ना तो वहां पे स्टेडियम भी फुल होता है और वहां पे मैच भी पूरा होता है, फिर चाहे जो मर्जी हो वो रुकते नहीं है। वहां पे ऐसी क्रेज बनता है, बेसबॉल का ऐसी क्रेज बनता है, आपकी क्रिकेट का वहां पे क्रेज बन ही नहीं पाया क्योंकि आपने आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं स्ट्रॉन्ग था। खैर, बात करेंगे रिजवान भाई, मुझे ये बताएं कि जो होना था वो तो हो गया। लगातार ये तीसरा मैच फ्लोरिडा के अंदर था, तीनों मैचेस जाया हो गए। कल पाक वर्सेस आयरलैंड का मैच है, वो भी जाया हो जाना है, पता नजर आ रहा है। मुझे ये बताएं कि आधा क्रिकेट फैन कितना अफसोस हो रहा है जो क्रिकेट के साथ हो रहा है। देखिए जी, यकीनन अफसोस वाली बात है कि आपका एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मैच आपके इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक वो वाला मैच आपका इफेक्ट हुआ जिससे आप या तो इन्हें ही आप आउट, जिससे इतना ज्यादा शोर मचा, इतनी ज्यादा मतलब एज ए पाकिस्तानी इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं ना अफसुर्दा है पूरी की पूरी कौम के जी, क्यों नहीं हो सका, हो जाता कट्टी कट्टा निकल जाता, हारते या जीते वो सामने आ जाता। क्या इनके पास कोई यदि ऐसी कोई वेदर की फोरकास्ट की कोई ऐप नहीं है, या इनका कोई मतलब अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर नहीं पता लगा सकते कि जी बारिशें होनी है या कितनी बारिशें होनी है, कि इतनी बारिशें होंगी कि मैच हो पाएगा या इतनी ज्यादा बारिशें होंगी कि मैच भी नहीं हो पाएंगे। तो अल्लाह के बंदो, किसने आपको कह के आप वहां पे, मेरी बात सुने, अगर मैच होते तो क्रिकेट प्रमोट होती ना, मैच ही नहीं हुए तो क्या क्रिकेट की वहां पे प्रमोशन हुई है, मुझे ये बताएं। बिल्कुल, क्या प्रमोशन हुई है वहां पे? ये तो आईसीसी को जितना भी बंदा जो है ना लम्बे पाले आईसीसी नू, एक दफा कोई आके हमें बताए तो सही कि आपने एशिया कप भी इस तरह, श्रीलंका वाला जो मैच था पूरा का पूरा जाया हुआ, और इस मरतबा मेरे ख्याल में तीन मैच, नेपाल वाला मैच उधर जाया हुआ है। नेपाल जो है ना वो मतलब घर से खेलने आई है, श्रीलंका की जो आजकल पोजीशन है वो श्रीलंका को हरा के दो पॉइंट लेके वो आगे जा सकते थे, तो ये कोई मतलब इनके लिए कोई मैटर ही नहीं कर रहा। फिर हमारा आप हाल देख रहे हैं, और आज का मैच आपकी बात बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे क्रिकेट को देखने और क्रिकेट को मतलब समझ के उस पर बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है। अच्छाई या बुराई, मतलब किसी की कोई अच्छी बात होती है तो हम कहते हैं वेल डन, अगर हमें कोई खामी नजर आते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये इसने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। अगर कैप्टन कोई फैसला करता है, बंदा गलत भेज देता है, ओवर गलत लगा देता है, जिससे पूरा का पूरा मैच इफेक्ट होता है, तो हम उस पर बात करते हैं क्योंकि हमें थोड़ी बहुत समझ आती है। लेकिन आपने क्या किया, ऐसी जगह पे इवेंट रख लिया, एक दो तीन, तीन मैच फारिग, कल का मैच भी फारिग हो जाना है, तो चार मैच आपके फारिग हो रहे हैं और आपके सर पर जूं तक नहीं रेंगनी। कोई आईसीसी का बंदा आके उसने कोई ऐसा बयान तक अभी तक नहीं दिया कि जी हमें इस पे थोड़ी सी नदामत है, शर्मिंदगी है जी हमने, या इस वजह से हमने ये किया था, वो हो नहीं सका तो हम इसके लिए माजरा चाहते हैं। मतलब आईसीसी पे जितना भी मैं कहता हूँ ना की जाए ना वो कम है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आ गया जी, बड़ा सवाल में जाते, चलो जो होना था वो तो हो गया। अब आ गया सुपर एट के मैचेस, ये तो कंफर्म है कि इंडिया के ग्रुप के अंदर नजर आ रहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये ग्रुप है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मुश्किल है, अफगानिस्तान को आप इजीली ले सकते हैं, अफगानिस्तान ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस कर कर आ रहे हैं, बड़ा लोगों को इम्प्रेस किया है, अफगानिस्तान के साथ पहला मैच भी है। बांग्लादेश और आप कह सकते हैं कमजोर हरीफ है, लेकिन वो भी सुपर एट के अंदर है तो वो भी एक अच्छी टीम है। तो बात ये आती है कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीन बड़े मैचेस इनके आ गए हैं। आप
मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि इंडिया का 100% हम चाहते हैं कि नॉकआउट मैचेस के अंदर आए जहां पे, तो उसके लिए आप क्या देख रहे हैं कि मतलब कि इंडिया आपको अभी भी अनबीटन जाता नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप के फाइनल तक, या आपको लगता है कि इंडिया सुपर एट के अंदर एक मैच के अंदर कोलैप्स हो सकता है और उसके बाद ही बड़ी खतरनाक टीम बन के उभर सकती है? तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर कि आपको क्या नजर आ रहा है इंडियन टीम की इस वर्ल्ड कप कैंपेन के ऊपर? देखिए एज ए अगर जैसे काफी सारे जज्बाती जो इंडियन है ना वो तो अभी हमारी इस बात पे कहेंगे 4-0 मतलब 3-0 तीनों के तीनों मैच। देखिए जज्बाती होने का फायदा नहीं और वो जज्बाती होना जीरो होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं एज ए एक क्रिकेट को जहां तक देखा है ना, अगर इंडिया एक मैच हार भी जाता है ना तो उसको ये होगा कि यार मेरी ये खामी थी, यहाँ पे मैंने कोताही की थी, यहाँ पे गलती हुई, ये बॉलर लगाया, ये बैटर लगाया, या यहाँ पे मैंने गलत खेला, वो ज्यादा फिर उसको सेमीफाइनल के अंदर और फाइनल के अंदर फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया अनबीटन जाता है ना तो फिर मुझे यह है कि आपके अंदर ना कहीं ये होता है जिसे कहते हैं ना गुब्बारे के अंदर थोड़ी सी हवा, वो नहीं होना चाहिए। अगर तो ना भरे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है कि अगर हार भी जाए ना, और अगर हारा तो शायद ऑस्ट्रेलिया से हारे, वरना बांग्लादेश और अफगानिस्तान से तो कोई चांस ही नहीं है। वैसे अब ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी जबरदस्त टक्कर होनी है और कोशिश होगी इनकी जीते, और ये जीत भी सकते हैं, ये नहीं है कि ये हार जाएंगे। मैं अभी भी 50-50 या 55 दूंगा इंडिया को, 45 ऑस्ट्रेलिया को दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हार भी जाता है ना एक मैच तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे फिर नहीं हारेंगे। अब्दुल्ला साहब देखिए मैं रिजवान भाई की बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि देखें 2023 का वर्ल्ड कप अगर आप देखें ना, इंडिया अपने घर में खेल रहा था, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, लेकिन अनबीटन गए। इंडिया वो कोई मैच नहीं हारा था और इंडिया जाकर फाइनल में हार गया, क्योंकि उनको जब देखें जब आप एक मैच हारते हैं ना तब आपको अपनी टीम में जो खामी है, जो कमजोरी है, उनका पता लगता है। जब आप अनबीटन जा रहे हैं तब आपको कोई खामी कोई कमजोरी किसी का पता ही नहीं लगना, तो फिर आप ऐसे जा रहे हैं, और फिर जब आप पिटते हैं जब आप गिरते हैं तो फिर एक जो ऐसा पॉइंट पे गिरते हैं कि आप ना तब उस क्या कहते हैं उसको कि आप तब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि भाई देखें अगर इंडिया ने वाकई जीतना है, मैं ये नहीं कह रहा कि जान पूछ के आ रहे, लेकिन मैं ये बात जरूर कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि इंडिया अनबीटन जाए। मैं कहता हूँ चलिए अगर तो इंडिया फॉर एग्जाम्पल हारता है किसी भी टीम से, वो अभी हार जाए आगे जाके टॉप फोर में आगे उससे आगे जाना है, उसके बाद आगे आपने फाइनल में जाना है, तो तब इंडिया हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि तो, भाई जब हम इंडिया को सपोर्ट तो आपका भी ऑस्ट्रेलिया लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के अंदर चांस है? यार देखें वैसे एक बात बताऊं, अफगानिस्तान भी टफ टाइम दे सकती है, लेकिन अगर इंडिया कोई पकड़ सकती है ना टीम, वो ऑस्ट्रेलिया ही है। अच्छा मुझे लगता है कि और मुझे लगता है इनमें से ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया नहीं जाना। अच्छा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे नहीं लगता कि इंडिया हारेगी, मुझे लगता है कि ना ये दोबारा से अनबीटन जाएंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। मेरा ये मानना है कि ये इंडिया की जो टीम है ना, ये इनके लिए ग्रुप मैचेस जो होते हैं ना वो हलवा होते हैं, इनको इनके लिए बड़े इजी चीज होती है, इनके लिए जीतना ये बड़े आसानी से जीत जाते हैं, टेंशन प्रेशर लेते नहीं होते, असल प्रेशर इन पे आता है नॉकआउट मैचेस का, तो इनके लिए हारना बड़ा ज्यादा मुश्किल है, तो ये तीनों के तीनों मैचेस जीत जाएंगे। हाँ इनको नॉकआउट मैचेस के अंदर मुसीबत हो सकती है, वो जो पहले भी हुआ है वो प्रेशर आ जाता होता है, लेकिन ग्रुप स्टेज के अंदर ये तभी हारेंगे जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, और सुपर एट के अंदर एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कैसी परफॉर्मेंस दिखाओगे। आपके पहले दो मैचेस हल्के हैं तो आप अपना 100% हल्के मैचेस में देंगे, ताकि कल को अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हार भी गए तो आपकी सेमीफाइनल की स्लॉट पक्की हो, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं। फिर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला आएगा तो उसके अंदर तो फिर इज्जत का सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम उन्होंने हराया हुआ था। तो मुझे लगता है कि इंडिया इस जैसे कहते हैं ना सुपर एट के अंदर तो अनबीटन जाएगी, सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर जब मुकाबले होंगे वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर जैसे कहते हैं ना मामला खराब हो सकते हैं। इसी के साथ देखिए जो क्रिकेट है वो आपको पता ही अब एडवांस हो गई हुई है। अब फीफा में जैसे होता था कि छोटी टीम में आपको सेमीफाइनल फाइनल या बड़े मैचेस खेलते नजर आती थी, जैसे क्रोएशिया की टीम ने फाइनल खेला था एकदम से उभर कर आई थी, इस दफा जैसा कहता है ना इस क्रिकेट के वर्ल्ड कप के अंदर ही चार टीमें ऐसे सुपर एट के अंदर आई है, पूरी दुनिया को हैरान करके उन्होंने रख दिया हुआ है। क्या पता इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाए, कुछ नहीं पता कि इंग्लैंड भी कर सकती है, लेकिन अभी के लिहाज से तो नहीं कर रही ना, तो मतलब कि इस वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा कुछ होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो बाहर हुआ है, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, पाकिस्तानी टीम के साथ क्या होगी? अब देखो ना कल एक मौका था इनको और बुरी तरह से एक्सपोज होने का, अब कल बारिश की नजर ये बच जाएंगे, और ये तो कंफर्म, ये तो ग्राउंड आते ही साथ ही कहेंगे कि हमने नहीं खेलना, हमें इंजरी ना हो यार। कल अगर कोई फॉर एग्जांपल मैच हो जाता, अगर चले अगर फॉर एग्जांपल मैच होता कल शायद आप 30-35 कर देता ना, फिर अगले 4 साल उसने हमारे सर पे सवार होना। मैं ना अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था, बाबर का बयान आया एक ना थोड़ी देर पहले,
तो मैं हैरान रह गया, उसको थोड़ी सी भी नदामत नहीं। क्या बयान है? मीडिया टॉक किया उसने 4-5 मिनट की, तो जनाब वो यही था कि जी किसी साफियों ने ये सवाल पूछा कि जी आप एज ए कैप्टन या आपका बोर्ड एज ए कैप्टन क्या सोच रहे हैं कि आपके ख्याल में कुछ चेंजेस होनी है और आप चेंजेस सोच रहे हैं या आपका बोर्ड कुछ चेंजेस सोच रहा है और आप ये जो मैच हारे हैं और आप बाहर हो गए हैं तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आपकी कारकर्दगी। जनाब मैं हैरान रह गया, कहता है जी थ्रू आउट हमारी कारकर्दगी जो है ना 2000 पिछले कई साल उसने गिरा दिए उसमें हम जो है ना क्या कहते हैं एग्जीक्यूट बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम सिर्फ फाइनल जो है ना वो अच्छा नहीं कर पा रहे, हम फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे। फिनिश कर दी ना पाकिस्तान ने, टीम फिनिश कर दी है, बाबा ने पकड़ के। आज का इससे अच्छा जी जी आज का इससे अच्छा क्या फिनिश होगा यार कि आप पहले राउंड के अंदर बाहर हो गए और आपका एक मैच पड़ा है और मुझे लग रहा है आपने बात है ना ये ईगो बड़ी आ गई है इनमें। ये इस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अगर इंटरव्यू दिया था समझ आते कि आप फाइनल खेले हुए वर्ल्ड कप का, इस वर्ल्ड कप के बाद अगर ऐसा इंटरव्यू आया तो शॉकिंग है। मेन अगर कुछ घंटे पहले का जो है ना, अच्छा तो मैं हैरान रह गया। बड़े अफसोस की बात है, प्री मैच मीडिया ड्रा हुई है। सोच चेक करें आप, सोच चेक करें तो ये जान छोड़ेंगे हमारी, ये छोड़ेगा शदाब। मेरा तो ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी सारे आपको दोबारा से नजर आएंगे, ये वही टीम रहेगी, वही टीम हमारे गिड्डो गोडो में बैठ गए रिजवान भाई, ये नहीं हमारी जान छोड़ने वाले, ये हमें लेट डूबेंगे, ये हमें पूरी तरह से पकड़ के बैठ गए, ये टीम पाकिस्तानी टीम हमारी जान नहीं छोड़ने वाली, पाकिस्तान का पाला इनसे पड़ गया हुआ है, अब हमें बर्दाश्त करना पड़ना, चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर के अंदर है। लेकिन फिर भी आप जैसा कहता ना बातें सामने आ रही, शाहिद अफरीदी का बयान आया, वो कहते हैं कि बाबर आजम को शाहीन को बैक करना चाहिए था, कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी, अब ये वाली शुरू होगी कहानी। हाँ जी इसका क्या मतलब, आपका ताल्लुक ही नहीं है जनाब, मैं अफरीदी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बड़े अफरीदी की तो बड़े अफरीदी साहब को यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए। देखो अब तो वही मैंने आपको बताया था ना, रिजवान का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि ना बाबर कैप्टन ना शाहीन कैप्टन, रिजवान को कैप्टन बनाए फिर ही मामला सही होंगे, अदरवाइज तो फिर आप, मैं तो ये कह रहा हूँ इनको फर्स्ट क्लास खिलाएं, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं तभी कुछ होगा, वरना क्रिकेट आपकी बर्बाद। अब तो देखो ना, अब तो मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान के भी जो एनालिसिस वगैरह करते हैं वही पाकिस्तानी टीम को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, हर बोर्ड ये अब देखे ना क्या वैल्यू क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी, खेल और मजाक बन के लोग कह रहे हैं, किसी ने पूल डाला हुआ कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड पाकिस्तान श्रीलंका, सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा शॉकिंग किसका था, बाहर होना, सबने कहा हुआ कि न्यूजीलैंड का बड़ा शोक हुआ, कुछ ने कहा हुआ और पाकिस्तान श्रीलंका का तो काम ही सबसे पहले बाहर होना होता है, उन लोगों को इतना यकीन था उनके ऊपर, लोगों को अफसोस हुआ न्यूजीलैंड बाहर हुई, न्यूजीलैंड का लोगों को अफसोस हुआ, पाकिस्तान का अफसोस नहीं हुआ लोगों को। डेफिनेटली ऐसे ही है, वो पता नहीं रोहित शर्मा ही आके बाहर से बात हो रही इंडिया की, उससे ना उन्होंने कहा जी हमने ना 90 या पता नहीं 83 से लेकर इतने फिंगर टिप्स पे उन्होंने ना कैप्टन गिनवाए। अच्छा। सौरभ गांगुली ने लंबी लंबी कप्तानी की, तेंदुलकर ने फिर छोड़ दे फिर उसको दे दी कप्तानी, उसके बाद राहुल द्रविड़ ने की थोड़ी बहुत, फिर आपके सामने धोनी ने लंबी कप्तानी की, लंबी लंबी कैप्टनसी करते हैं, और यहाँ पे भी फिर ऐसे ही हुआ, विराट ने की फिर उसने छोड़ के रोहित को दे दी, गिने चुने फिंगर टिप्स पे आपको कप्तान नजर आएंगे यहाँ पे हर सीजन के बाद, हर सीजन के बाद। हालांकि वैसे कैप्टन ही, वैसे अगर आप देखेंगे तो 4-5 साल से बाबर कैप्टनसी कर रहा है, लेकिन बीच में कैप्टनसी चेंज भी तो होती रही ना, शाहीन हटा, शाहीन बना, फिर जिसको कहते हैं शान मसूद है आपका, तो ऐसे चलता रहता है, अलबत्ता खैर ये तो मामला चलते रहेंगे, लेट्स सी देखते हैं क्या होगा, पाक वर्सेज इंग्लैंड का जो मैच है उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।